हेलो गाइस, आज एक बार फिर से एक नई टाइप की सेटिंग करके आया हूँ मैं माइक में। और ये एक जेनरिक माइक है, ये माइक था अप्रॉक्सीमेटली 160 रुपीज़ का था और साथ में 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस फ्लिपकार्ट पे। आई होप ये वाला माइक तो ठीक से काम करे। काफ़ी दिनों से मैं माइक को लेके काफ़ी परेशान चल रहा था। और काफ़ी वीडियोस देखने के बाद इसकी सेटिंग की और आई होप इसमें विंड नॉइस ना आए। अभी सिटी से बाहर निकल के थोड़ा 80-90 की स्पीड पे भी चेक करेंगे। कि कोई विंड ब्लास्ट आता है या नहीं आता। पहले टायर में हवा डलवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टायर में हवा भी कम है, काफ़ी दिनों से बाइक नहीं निकाली बाहर। ज़्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर तक ही जाऊंगा। रहा BPCL का पेट्रोल पंप, वहाँ से मैं हवा भराऊंगा और देन वहाँ से सामने ही कट है। सो गाइस, हवा हो गई सेट। अभी हाईवे पे करते हैं माइक चेक। बोया वाले माइक ने काफ़ी, एक तो 700 रुपीज ले लिया, ऊपर से माइक भी अच्छा नहीं था। वैसे कई बार जो काम महंगी चीज़ें नहीं करती वो सस्ती चीज़ें उसका हल निकाल देती हैं। अभी मैं हूँ अप्रॉक्सीमेट 80 की स्पीड पे और यहाँ भी लगता है स्पीड कैमरा लग रहे हैं। बाकी आवाज़ का तो क्लिप में घर जाके ही पता चलेगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। क्योंकि पहले भी मेरे पास एक ऐसा ही सेम कंपनी पिनोक्सी कुछ ऐसी कंपनी का था माइक, अभी भी मैंने सेम उसी कंपनी का माइक मंगवाया, बट उन्होंने थ्री रिंग वाला भेज दिया, जबकि GoPro में 2 रिंग वाला माइक काम करता है। बट मेरे पास था इसका इंतज़ाम भी। लेवलियर था मेरे पास, एक माओनो के माइक के साथ आया था। सो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी पहले जैसी आवाज़ जैसे मेरे शुरुआत के व्लॉग्स में आती थी वो। आज काफ़ी दिनों बाद माओनो का माइक टेस्ट किया, बोया का
माइक टेस्ट किया, बट एक बार फिर से मैं टेस्ट करने आया हूँ। जेनरिक माइक है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ओनली 160 रुपीज़ एंड डिलीवरी चार्जेस 200 रुपीज़ का है। माउनो पे मेरे 350 लगे, बोया वाले माइक पे अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़ लगे। अभी देखते हैं ये 150 वाला 160 रुपीज़ वाला माइक क्या परफॉर्मेंस देता है। तो इन तीनों माइकों के टेस्टिंग के बाद मैं आपको दूंगा कुछ रिव्यू तीनों माइक का। आई होप ये वाला माइक मुझे डिसअपॉइंट ना करे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से माइक को लेके ही काफ़ी परेशान हूँ। अभी मैं हूँ अप्रॉक्सीमेटली 90 की स्पीड पे, और इस स्पीड पे विंड ब्लास्ट अगर आया तो फिर इस माइक में भी दिक्कत है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस माइक से जो पुराने वाली वॉइस क्वालिटी है, यानी कि मेरे पुराने व्लॉग्स में जो वॉइस क्वालिटी थी वो काफ़ी बेहतर थी। बोया का माइक भी इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाया, और इस माइक की सेटिंग के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी। कुछ जो बड़े बड़े मोटो व्लॉगर्स हैं उन्होंने माइक सेटअप बताया हुआ था। अभी 105 की स्पीड पे, तो मैं क्वालिटी भी सेम ही एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर इस माइक ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस माइक को मैं ज़रूर कुछ 5-स्टार रेटिंग ज़रूर दूंगा फ्लिपकार्ट पे। सो वापस मैं पहुँचने वाला हूँ अपने शहर। छोटी सी राइड थी एक माइक टेस्टिंग के लिए। काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर में, इस वजह से मैंने कोई मोटो व्लॉग नहीं बनाया और ना ही कहीं बाहर ज़्यादा मैं गया। अभी मैं लगभग पहुंच ही गया हूं, और एक लव बर्ड्स भी जा रहे हैं। सो ये थी एक छोटी सी राइड। अभी थोड़ा सिटी वाइज भी सिटी में भी इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और बाइक को भी मैंने काफ़ी दिनों बाद ही निकाला घर से। कुछ दिनों में बाइक के सर्विस भी करवाएंगे। साइलेंसर के पास से कहीं से आवाज़ें आ रही थी बाइक में, तो वो भी चेक करवाऊंगा बहुत जल्द। ऑफिस के बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम निकल नहीं पा रहा, बट बाइक के लिए टाइम निकालना पड़ेगा अगर इसे सर्विस करवानी है। सो ये थी मेरी एक छोटी सी राइड माइक टेस्टिंग के लिए। अगर इसमें भी आवाज़ कुछ सेट नहीं है तो कुछ और सेटिंग सोचेंगे।
काफ़ी लोगों ने पैडिंग के पीछे माइक छुपाया होता है, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ से आवाज़ क्लियर आती होगी। तो चेक करते हैं और फिर मिलते हैं।